Hello everyone, this is Sonia Jain from Online Education. Now coming to question number 8, exercise 3.7, and the question is, find the least number which when divided by 6, 15 and 18 leave remainder 5 in each case. मतलब ऐसा छोटा से छोटा number find out करना है जो 6, 15 और 18 से जब हम उस number को divide करें तो हर case में 5 remainder बचे. मतलब अगर 6 से divide कर रहे हैं तो 5 remainder बचना चाहिए, 15 से divide करें तो भी 5 बचे, और 18 से divide करें तो भी 5 बचे remainder. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले देख लेते हैं कि ये तीनों से कौन सा नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, और एग्जैक्टली डिविजिबल ये इन तीनों नंबर से जो कैसे निकालते हैं कि तीन नंबर से कैसे डिविजिबल होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं. तो सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं. सो एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 18, राइट. तो इसका निकाल लेते हैं. सबसे पहले ये 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 15 के 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 2 9 जा 18. आप देखो 2 में कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं हो रहा. उसके बाद हम 3 से करके देखेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, अगेन 3 से 5 एज इट इज, 3 1 जा, नाउ 5 से डा करेंगे, 5 1 जा, ठीक है. और ये आप ये यहाँ पर जो होना चाहिए, मैं बार बार कहती हूँ, यहाँ पे प्राइम नंबर्स ही लेने हैं, कंपोजिट नंबर नहीं लेने. ओके, सो एलसीएम हमारा क्या निकला, एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 18 5 जा 90. तो एलसीएम हमारा निकला 90. अब ये 90 तो वो नंबर है जब हम इन तीनों नंबर से डिवाइड करेंगे 90 को तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा. लेकिन हमें क्या चाहिए, 5 हर केस में रिमाइंडर चाहिए. तो अगर 5 हर केस में रिमाइंडर चाहिए तो मैं क्या करूंगी, रिमाइंडर को ही प्लस कर दूंगी, ठीक है. तो रिक्वायर्ड नंबर विल बी 90, और रिमाइंडर मुझे प्लस चाहिए तो 90 प्लस 5 95. ओके, दिस इज योर आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.